पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा, सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो काफे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। प्रेत आत्माओं की दुनिया में आ चुके हो। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ जूनियर जी चाहिए। वो बांसुरी वाली लड़की से आ गई थी। मुझे लगता है कि इन बच्चों को सचमुच कुछ पता नहीं कि जूनियर जी कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। जैसे ही तुम इस मंत्र को याद करोगे, तुम्हारे पास एक शस्त्र आएगा। मैंने उस शहर के सारे बच्चे उठवा लिए। जो कुछ तेरे मन में है उसे अपने मन में ही रखना लिंडा। दीवारों के भी कान होते हैं, हवाएं भी चुगलखोर होती हैं। और अब आगे। अभी भी आधा घंटा बाकी है। उसने 12 बजे कुछ करने को कहा था। गौरव, पियाला, तुम? हाँ मैं। गौरव, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं अकेला बोर हो रहा था, सोचा तुमसे मिल लूं मैं। लेकिन पियाला, मुझे जाना है। कहाँ? आत्मा के लोक में। डायना नाम के एक आत्मा ने बहुत सारे बच्चों को कैद कर लिया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा गौरव। लेकिन केएलआर, वहां खतरा हो सकता है। गौरव, केएलआर खतरों से नहीं डरता। केएलआर, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें जानबूझकर मुसीबत में डालना नहीं चाहता। गौरव, तुम मेरे दोस्त हो ना, जो भी खतरा होगा दोनों मिलकर सामना करेंगे, एक से भले दो। केएलआर, तुम बहुत जिद्दी हो। तुमसे कम। 12 बज गए, कुछ करने का समय हो गया। जी जैम, जैमी बम। जूनियर जी, हम वहां एक साथ नहीं जाएंगे। मतलब आत्माओं की दुनिया में कब क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए पहले तुम वहां जाओगे, बाद में मैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जूनियर जी होकर भी ऐसी बातें करते हो। अगर कोई मुसीबत आई तो एक आदमी तो बचाने के लिए रहेगा, अगर दोनों एक साथ गए तो फंस सकते हैं। यस, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आई कैसे? नहीं, हम आत्माओं के लोक तक तो साथ चलेंगे। तुम आगे आगे जाना, मैं पीछे आऊंगा। गुड।
तो तुम लोग नहीं चाहते कि तुम लोग जिंदा बचो। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आखिरी बार पूछ रही हूँ तुम लोगों से, बता दो जूनियर जी का पता क्या है? ठहरो, ठहरो, ठहरो। कौन? मैं हूँ शशांक की मौत का सामान। दोस्तों की आन, बान और शान। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। जूनियर जी। हुआ तुम खुद ही आ गए जूनियर जी। बहुत बुरा हुआ डायना आंटी, क्योंकि अब तुम बच नहीं पाओगी। ये बित्ते भर का छोकरा मुझे मारेगा? देखा, मेरी फूंक में इतनी ताकत है कि मैं तुझे उड़ा सकती हूँ। वो जो काली दाल रखी है उसे अपने पास रखना। अगर तुम वो दाल डायना के ऊपर फेंकोगे तो वो घायल हो जाएगी। तो तू पूरी तैयारी के साथ आया है? हम तो हवाएं हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जूनियर जी। Oh!
बस जूनियर जी बस, अब तू अपना ये हथियार डाल दे वरना मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। नहीं जूनियर जी नहीं, तू मेरी फिक्र मत करना। जूनियर जी सोचता क्या है, हथियार डाल दे। मैं कहती हूँ हथियार डाल दे जूनियर जी। नहीं जूनियर जी। डाल दे हथियार। सोचता क्या है जूनियर जी, मैं कहती हूँ हथियार डाल दे, नहीं तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अंगूठी मुझे दे दे जूनियर जी, ये मुझे चाहिए, ये अंगूठी मुझे दे दे, ये तो बस मेरे पास होनी चाहिए। दे दे ये अंगूठी मुझे दे। ठहरो, गद्दार सेनापति है। इंदा ने बताया था मुझे तेरे बारे में भी। अच्छा हुआ तू खुद ही चलकर यहाँ आ गया। अब मैं तुझे और जूनियर जी दोनों को लिंडा के हवाले करूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते डायना, क्योंकि मैं जिस युग का इंसान हूँ उसके ऊपर आत्माओं का कोई असर नहीं होता। आत्माएं अमर हैं। तुम्हारा हम पर कोई असर नहीं होने वाला। Thank you.
गौरव, बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये सब काम तुम मत किया करो, घर में भाई है ना झाड़ू पोछा करने के लिए। चाचा जी, अगर मैं ये सब काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? आप तो जानते हैं कि चाची जी मुझे ये सब काम करने के बदले में ही खाना देती है। चाचा जी, सच कहूं तो ये सब काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी है। नहीं गौरव, तुम मजबूर नहीं हो बेटे। असलियत क्या है तो आप जानते हैं चाचा जी। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं तुम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हो ना। मेरे चाहने से क्या होता है? इंसान सच्चे दिल से जो चाहता है बेटे वो जरूर पूरा होता है। अब तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चाचा जी, इसके लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। बेटे, भाई साहब जाने से पहले तुम्हारे भविष्य का पूरा इंतजाम कर गए थे। मतलब? भाई साहब तुम्हारे नाम की कुछ FDs बैंक में करवा गए थे, उसमें से एक FD आज मैच्योर हो गई। सच? हाँ बेटे, अब तुम 5,00,000 रुपए के मालिक हो। उन पैसों से तुम जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। चाचा जी, आप सच कह रहे? हाँ बेटे, अब तुम्हें ये घर का कामकाज करने की या चाची की जली कटी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। 5,00,000 रुपए से तो तुम कुछ भी काम शुरू कर सकते हो। नहीं चाचा जी, थैंक यू वेरी मच चाचा जी, थैंक यू वेरी मच चाचा जी। चाचा जी, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। अच्छा तुम अब जल्दी से ये सोचना शुरू कर दो कि इन 5,00,000 रुपयों का तुम करोगे क्या। चाचा जी, मैं बिजनेस करूंगा। What? Are you mad? Business? हाँ, मैं बिजनेस। गौरव, तुम अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है कि तुम बिजनेस के झंझट में पड़ो? और क्या, अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है गौरव, और अभी से तुम बिजनेस के चक्कर में पड़ जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? अरे नहीं बाबा, मेरे बिजनेस से मेरी पढ़ाई लिखाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या बात कर रहे हो गौरव, ये बिजनेस कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। तुम सबको क्या लग रहा है कि मैं गौरव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री शुरू कर रहा हूँ? अरे नहीं बाबा, मैं एक छोटा मोटा साइड बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, बाकी के टाइम पढ़ाई करूंगा बस। अरे लेकिन तुम कौन सा बिजनेस करोगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ। मैं बताऊ, तुम ना एक केले का ठेला डाल दो। शट अप मोंटी। अरे शट अप क्या, मैं इसको एक अच्छा सस्ता और टिकाऊ बिजनेस बता रहा हूँ। हाँ, एक ठेला खरीदना है और दुकान शुरू, उसमें मेरा थोड़ा सा फायदा है, मगर दोस्ती में इतना तो चलता है ना यार। थोड़ा फायदा और क्या, अगर गौरव कहे ना तो मैं उस ठेले का मैनेजर भी बन जाऊंगा। बेड़ा गर्क, सारे केले तो तू ही खा जाएगा। कम ऑन यार, मजाक छोड़ो, मैं सीरियसली तुम लोगों से एडवाइस ले रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। गौरव, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। तो बखो ना। मुझे लगता है तुम्हें एक लाइब्रेरी कम कैंटीन खोल लेना चाहिए। गुड आइडिया। यस, कैंटीन कम बुक लाइब्रेरी, जिससे आसपास के स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट को नाश्ता के साथ साथ अच्छी किताबें पढ़ने मिलेंगी। लेकिन कैंटीन में केले? शट अप! अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी इतना ईमानदार बनने की? अरे चुपके से ये 5,00,000 रुपया मेरे अकाउंट में डाल देते। अरे पागल हो गई हो तुम, गौरव को एक ना एक दिन जरूर पता चल जाता। अरे जब पता चलता तब देखी जाती ना, मुंह आंख की किरकिरी बन के रह गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तुझे इस जगह पे दुकान भी खोलनी है? क्योंकि यहाँ से स्कूल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और मेरा घर भी। देख तू मेरी बात मान, इस दुकान के झमेले में मत पड़। ये दुकान नहीं खुलेगी, हरगिज नहीं खुलेगी। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये।
स्टेशन आया है अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।